गुड आफ्टरनून गाइस। तो इस समय ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर में, और अभी मैं जस्ट काम कर रहा था। अब मैं एक नया मीडियम मैंने स्टार्ट किया है सीखना, मतलब कर रहा हूँ, लाइक एक्सपेरिमेंट चालू है, वो है रेजिन। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं पहली बार रेजिन में काम कर रहा हूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो कि छोटे छोटे पेंटिंग्स, ये वुड पे है, वुड के ऊपर मैं जैसे अप्लाई करके पेंटिंग बनाया था। और मैंने पहली बार मैंने सोचा था कि रेजिन मैं ऐसे अप्लाई करूँगा, यूज़ करूँगा, लेकिन मैंने एक्चुअली इसको 5 दिन पहले इसके ऊपर रेजन अप्लाई किया था, जो एक एक्सपेरिमेंट पूरा पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि ये अब तक नहीं सूखा है। जैसे कि आप देख सकते हो 5 दिन इसको हो गए और अब तक नहीं सूखा ये। और उसी तरीके से मैंने ये पेंटिंग को भी कर दिया था। तो मतलब पहला एक्सपेरिमेंट तो रेजन में एकदम फेल हो गया है। तो 5 दिन के बाद फिर से मैंने एक बार वापस से रेजन अप्लाई किया एक दूसरी पेंटिंग पे, और यहाँ पे जस्ट सैम्पल। तो ये देखते हैं कि ये सूखता है कि नहीं ये रेजन। एक्चुअली मैंने कई रेजन आर्टिस्ट से कांटेक्ट करा और उनसे पूछा कि एक्चुअली मैंने पहली बार मैं रेजन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा रेजन सूख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि शायद आप जो रेजन और हार्डनर है उसको सही तरीके से सही अनुपात में नहीं ले रहे होंगे उसके वजह से, नहीं तो फिर मिक्सिंग आप गलत कर रहे होगे उसके वजह से। लेकिन मैंने मतलब ट्राई किया, और हाँ वाकई में मुझे लग रहा है कि मतलब मैं जो हार्डनर और रेजन है मैं सही अनुपात में नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो वेंडिंग मशीन नहीं है जिसके ऊपर उसको तोल के माप के यूज़ किया जाए। तो फिलहाल तो मैं एक अंदाजन से थोड़ा थोड़ा मतलब जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो पहला एक्सपेरिमेंट 5 दिन पहले किया था, वो तो फेल हो गया। तो आज फिर से मैंने ट्राई किया, तो आज वो उसका आउटपुट अभी कल देखने को मिलेगा, कल वो सूखता है कि नहीं। अगर सूखेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि हाँ भैया सूख गया, एक्सपेरिमेंट सही हुआ है। और इसके साथ साथ गाइज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पेंटिंग बनाई है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दे दूंगा आपको। गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पे ये पेंटिंग को देख पा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये पेंटिंग का मतलब टाइटल क्या है, इस पेंटिंग का मतलब क्या है। तो इस पेंटिंग का मतलब ये है कि इंसान का दिल होता है जो कभी कभी ना कभी टूट जाता है, उसके अंदर उस टूटे हुए दिल में उसके कई सारे दर्द होते हैं, कई सारे पेन होते हैं, कई सारी वेदनाएँ होती हैं जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, और ये सबके साथ होता है। तो मतलब मैं भी एक ऐसी दुनिया चाहता था कि मतलब काश मैं इस टूटे हुए दिल को मतलब कहीं पे फेंक पाता, मतलब इससे छुटकारा पाता, मतलब इससे मुक्त हो जाता। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, पॉसिबल है ही नहीं रियल वर्ल्ड में, लेकिन रंगों की दुनिया में ये बिल्कुल पॉसिबल था। और मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी दुनिया का निर्माण करूँ, एक ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ पर लोग अपने टूटे हुए दिल को, अपने दर्द को, अपने पेन को, और उस दिल में जो किसी की यादें बसी हैं जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, एक ऐसी जगह बनाऊँ, एक ऐसा स्पेस बनाऊँ कि जहाँ पे लोग उसको फेंकने के लिए आएँ और उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएँ। तो बस वही सोच के मैंने इसकी शुरुआत की, इसके स्केचेस बनाने शुरू किए और देखना शुरू किया। तो वही मतलब बोलते हैं ना कि सीधा असर, किसी भी चीज़ का सीधा असर हमारे दिल पर होता है। तो मैं वही चाहता था कि एक दिल होता जो टूट जाता, और टूटने के बाद इंसान उससे रिकवर करने के लिए उस टूटे हुए दिल को कहीं पे फेंक पाता, और फेंकने के बाद उससे फिर रिहैब हो जाता, उससे मुक्त हो जाता। तो मतलब ये बनाने का मकसद तो यही था। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक लड़का है जो उसी दुनिया में है, और वापस से वो उस अपने टूटे हुए दिल को वो भी आया वहाँ पे फेंकने के लिए। तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है इस पेंटिंग की कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग अपने टूटे हुए दिल, अपने दर्द और किसी की यादों को वहाँ पे फेंकने आए, और फेंकने के बाद वो फिर वापस वहाँ से वो अच्छे होके, रिहैब होके, मतलब उस दर्द को फेंकने के बाद फिर वो उस जोन से मतलब मुक्त हो पाए और वापस से अपनी अच्छे से ज़िंदगी जिए। तो इस पेंटिंग का बनाने का मेरा मकसद यही था, और उम्मीद है आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। और आप इस पेंटिंग को किस नज़रिए से देखते हो आप प्लीज़ मुझे भी कॉमेंट करके बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपको ये पेंटिंग कैसी लग रही है और आप इस पेंटिंग के बारे में क्या सोचते हो।